सो हेलो गाइस, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रेन के सामने टाइगर सेट के दो भाई आ चुके थे, जो वहां पर आने के बाद उसका ड्रैगन रिंग छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सही टाइम पर वहां पर मू चेन आ गया होता है, जो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उन्हें बढ़िया तरीके से मज़ा भी चखाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्मर आ चुका था, जो वहाँ पर आने के बाद सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी को भी यहाँ से कोई भी चीज़ वापस ले जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन मू चेन के पास एक जेट होता है, जिसका यूज़ करते हुए उसने उस आर्मर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब इस पार्ट की शुरुआत में मू चेन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, वो किसी अजीब से पहाड़ी जैसे इलाके में आ चुका था। वहाँ आने के बाद उसे डोंग अपने साथियों के साथ दिखाई देता है। वो उसे कह रहा होता है, मू चेन तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं, तुम हर बार इस सारी मुसीबत से बच कैसे जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन तब मू चेन उसे कह रहा होता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जितनी भी चोटें थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी हैं, तो क्या तुम्हें अब कुछ नई चोटें चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ, तुम्हारी ये मैं ख्वाहिश भी मैं चुटकियों में पूरा कर दूंगा। तब उसे देख करके आसपास खड़े जो लोग होते हैं वो एकदम ज्यादा हैरान थे कि क्या इसने सच में यहाँ पर उस आमर को हरा दिया। मू चेन वहाँ पर डोंग से कह रहा होता है, तुम्हें पता है ये जगह ड्रैगन डीम पैलेस की नहीं है, बल्कि ये वाइट ड्रैगन सिटी की है, तो तुम यहाँ पर ड्रैगन डीमन पैलेस के सिपाहियों को नहीं लेकर आ सकते। ये जगह तो पूरी तरह से सुप्रीम लॉर्ड की थी, वो यहाँ पर रहते थे, इसीलिए यहाँ से जाने में सबसे पहले तुम्हारे जो कदम है उठने चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर गलत लोगों को लेकर आए हो, तो भलाई अब इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ढोंग का जो वहाँ पर मास्टर होता है वो मू चेन से कह रहा होता है, बच्चे तुम्हारी जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगाया करो, वो तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी कि तुम लावे के अंदर जाने के बाद भी बच निकले, लेकिन जब तुम यहाँ पर इस तरह से जबान चला रहे हो सकता है कि इस टाइम तुम्हें यहाँ पर मारना होगा, क्योंकि हमें ऐसे जबान चलाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन तब वहाँ पर रेन कह रही होती है, मू चेन मैं इस एल्डर को तो यहाँ पे मैं खुद संभाल लेती हूँ, अपनी ड्रैगन रिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसका यूज किया, तो कुछ टाइम के लिए मैं इसे यहाँ पे रोक लूंगी। लेकिन तब वहाँ पर वो एल्डर उसे कह रहा होता है, लड़की साइड हो जाओ, ये मैटर तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, अगर तुम बीच में आने की यहाँ पे कोशिश करोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जिसके जाने के बाद जैसे ही ढोंग के सिपाही वहाँ पर जा रहे होते हैं, ढोंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जाने दो उसे, अगर वो अपने साथियों को यहाँ पर लेकर आती है तो और अच्छी बात है, हम एक ही यहाँ पे करके नॉर्दर्न स्पेशल अकेडमी के जितने भी डिसिपल्स होंगे उन सभी को पकड़ लेंगे, ये हमारे लिए और अच्छा मौका है। जिसके बाद वहाँ पर वो जो मास्टर होता है उसने अपने वेपन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, वो उसे एक्टिवेट करते हुए सीधा मू चेन की तरफ ही भेज देता है, इसीलिए मू चेन भी वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। मू चेन ने तो वहाँ पर अपने डेथ मार्क की पावर का भी यूज करना शुरू कर दिया था, ताकि उसका यूज करते हुए वो उस एल्डर को वहाँ पे हरा सके, लेकिन तब भी वहाँ पर वो एल्डर उसके सामने थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मोशन को वहाँ पर उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। लेकिन मू चेन भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वालों में से था, वो भी वहाँ पर दोबारा से उठकर एल्डर से फाइट करना शुरू कर देता है, इसीलिए अब देखते ही देखते वापस से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे, जिसके बाद उसने थोड़ी दूर आने के बाद वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और इस बार वो इतनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है कि उसे पूरी बॉडी के अंदर से ऑरा बाहर निकलकर आने लग गया था, जिसके बाद वो अपने किक की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए उसे वो किक को लेकर सीधा एल्डर की तरफ ही आ जाता है, और इसे इतना वो घसीट के वहां पे वो किक मारता है कि जैसे वो किक उसे लगता है चारों तरफ बिल्कुल ऑरा का तूफान आ चुका था, पूरी जगह बिल्कुल पूरी तरीके से हिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने अटैक खाने के बाद भी वहां पर उस एल्डर को अब कुछ भी नहीं हुआ था, वो अब भी वहां पर पूरे जोश के साथ मू चेन से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मू चेन की ऐसी फाइट देख करके सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान थे, वहीं वो एल्डर मू चेन से कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कैसे भाग पाते हो, अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद उसने अपनी एक बहुत ही डेंजरस टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था,
वो जैसे वहां पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, वहां पर एक ड्रैगन स्लिंग हैंड आ चुका था। वो हैंड इतना ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग होता है कि उसके सामने अगर कोई ड्रैगन क्यों ना आ जाए वो उसे भी वहां पर खत्म कर सकता है। एल्डर ने यहां पर उसी हैंड टेक्निक का यूज कर लिया था ताकि उसका यूज करते हुए मुजेंग यहाँ पर वो जान ले सके। वो उस हैंड को सीधा मुजेंग की तरफ ही भेज देता है, इसीलिए मुजेंग ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था। और जैसे हैंड वो ग्रेट बुद्धा आर्ट से टकराता है उसका ग्रेट बुद्धा आर्ट वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन उसने वहां पर उस हैंड को भी रोक लिया होता है। ये देखकर कि उस एल्डर ने दोबारा से वहां पर अपने हैंड को बाहर निकाल लिया था, उस हैंड को निकालते हुए फिर से मुजेंग के पीछे पड़ जाता है। तब ये देखकर कि मुजेंग ने वहां पर उस जेट का यूज करते हुए उसने आमर निकाल लिया था ताकि वो आमर भी यहां पर उस एल्डर के साथ फाइट कर सके, इसीलिए वो आमर निकालने के बाद वो वहां पे वो खूब बढ़िया तरीके से उस एल्डर की धुलाई करना शुरू कर देता है उस आमर के सामने। तो वो एल्डर वो वहाँ पे टिक भी नहीं पा रहा था, वो उसके हैंड टेक्निक के साथ साथ उसे भी उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। ये देख करके तो सारे के सारे लोगों की आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या, इसने तो सच में यहाँ पर अपने आमर निकाल लिया। जिसके बाद वो आमर से मुजेंग के पास आ जाता है क्योंकि उसने चुटकियों में ही उस एल्डर की धुलाई कर दी थी और वो दोबारा से फाइट करने के जोश में भी नहीं होता है। ये सारी चीजें देख करके तो डोंग भी एकदम ज्यादा हैरान था कि इसने तो यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ मेरे एल्डर को यहाँ पे हरा दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। साथ ही वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख कर थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था। वहाँ पर तो वो ड्रैगन टिबन पैलेस और व्हाइट टाइगर सिटी के कई सारे लोग आ चुके हैं। मैं नहीं जानता कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन अगर ये सारे लोग एक साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आते हैं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला ना कर पाऊँ। तो वही डोंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए मुजेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जहां आप देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मुजेंग जैसे ही वहां पर डोंग का गला पकड़ते हुए उसे दबाने वाला होता है कि तभी वहां पर दूसरा एल्डर आकर अपनी पावर का यूज करते हुए मुजेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से मुजेंग को डोंग को छोड़ते हुए वहां से पीछे हटना पड़ता है। तब इस चीज को देख करके मुजेंग वहां पर कह रहा होता है कि इसने मुझ पर अटैक किया, जिसने भी मुझ पर ऊपर अटैक किया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ पर उससे आवाज लगाता हूँ कि जिसने भी मुझ पर अटैक किया वो मेरे सामने आओ। तब जैसे वो एल्डर वहां पर सामने आ रहा होता है उसे देख करके समझ आ जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा है जो यहाँ के वो ट्रेजर को हासिल करने के लिए आया है। ये देख करके वो मास्टर वहां पर मुजेंग से कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो मेरी शक्ल देखे बगैर ही मेरी पावर की वजह से मेरी आइडेंटिटी जान ली, ये तो कमाल की बात है। और जब वो एल्डर वहां पर अपना नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉन का फादर ही है। ये देख कर के तो सभी हैरान रहते हैं कि यहाँ पर सच में व्हाइट ड्रैगन सिटी का तो लॉर्ड भी आ चुका है, आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो वही डॉन का फादर मन से कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है मेरी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे वो कितने अच्छे प्लान के साथ यहाँ पर आया था लेकिन तुमने मेरा मूड यहाँ पे खराब कर दिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मुजेंग के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तब वहाँ पर वो आमर आ चुका था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए डोंग के फादर को वहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए मौका देख करके मुजेंग वहाँ से आगे निकल जाता है। और तब तक कि उसका आमर वहाँ पर डोंग के फादर से फाइट कर रहा था, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन डोंग का फादर यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा होता है। वो एक ही अटैक करते हुए उस आमर से उठाकर दूर फेंक देता है, इसीलिए मुजेंग उसे वहां पर वापस से अपने जेट के अंदर डाल लेता है। तो अब डोंग का फादर मुजेंग से वो कह रहा होता है, छोटी सी चीज यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। इस चीज को देख करके मुजेंग भी समझ गया होता है कि मैं भी यहाँ पर डोंग के फादर के मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ, इसने बस हल्के से पाम टेक्निक का यूज करके मेरे गार्ड के ऊपर इतना ज्यादा डेंजरस अटैक किया कि वो तो वहां पर भी होश ही हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डोंग के फादर का मुकाबला यहाँ पे कर पाऊंगा, इसीलिए वो वहां से अब भागने में भलाई समझता है। लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है उसके पीछे डोंग का फादर पड़ जाता है, जो वहां पर अपने डबल ड्रैगन हैंड टेक्निक का यूज करते हुए उसे सीधा मुजेंग की तरफ ही भेज देता है ताकि वो मुजेंग की जान ले सके। मुजेंग ने इस अटैक से बचने के लिए वहां पर कॉन्स्टेलेशन ऑफ सूत्रा फोर्थ गॉड वाली फॉर्मेशन को बना लिया था, लेकिन जैसे यहां पर डोंग के फादर का अटैक उसे लगता है, इससे पहले वहां पर मुजेंग के सारे दोस्त आ जाते हैं जो वहां पर मुजेंग को बचा लेते हैं। ये देख करके तो डोंग का फादर भी हैरान था कि आखिर अब ये लोग कौन है जो यहाँ पर आ गए। अपने दोस्तों को यहाँ देख करके मुजेंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि तुम लोग सही टाइम पे आए हो, तुम लोग यहाँ नहीं आए होते तो शायद यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी,
वो सारे लोग मुझे इनसे कह रहे होते हैं तुम मुसीबत में हो और हम तुम्हें बचाने ना आए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मुझे वहां पर सभी लोगों को बता रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका रिलेशन किसके साथ है। ये सुनकर के तो सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ड्रैगन डेवन पैलेस के लोग भी हैं। ऐसा है तो हमें इनके साथ फाइट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। तभी हो भी आन को देखकर के डोंग का फादर कह रहा होता है, मैंने तो इसके बारे में सुना है, इसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है। ये यहाँ पर मुझे इनकी हेल्प करने के लिए आई है। मैं इसके दोस्तों को तो नहीं जानता कि उनके पास कितनी पावर है, लेकिन उन्हें भी देखकर लग रहा है कि उनके पास भी इस मुझे की जितनी ही पावर होंगी। जब इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर वो ठीक तरीके से इन सभी का मुकाबला कर पाऊंगा। शुयान वहाँ पर डोंग के फादर से कह रही होती है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, आप तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो आप यहाँ पर इतने कमजोर डिसिपल को घेर के यहाँ पे वो क्यों रखे हुए हैं, ताकि यहाँ पर सभी की जान ले सके। आपको ये चीज शोभा बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन तब डोंग का फादर शुयान से कह रहा होता है, तुम जानती हो कि मूचेन ने यहाँ पर क्या किया, ये मूचेन तुम्हारे ही साथी है ना, और ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से भी आता है, और नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से तो हमारी पहले की दुश्मनी चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर से नहीं छोड़ने वाले। तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मूचेन को यहीं पर रुकना होगा और हम यहाँ पर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन तब सारे लोग वहाँ पर डोंग के फादर से कह रहे होते हैं, अगर तुम मुझे इनसे फाइट यहाँ पे करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले हमसे होकर गुजरना होगा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से ही आए हैं। ये सुनकर के तो डोंग का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सारे लोगों से कहता है, क्या तुम लोग सच में वहीं से आए हो, अगर तुम लोग भी वहां से आए हो तो मैं तुम लोगों को भी यहां से जाने नहीं दे सकता। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।